आपकी उम्र में 40 है। ये ऑलरेडी कुछ पोर्शन ये बना हुआ है। तो दोस्तों whatever this vlog is let's vlog a little bit. Welcome back to the channel. Welcome Turuk, whoever is watching, जो भी देख रहा है। आज एक बार फिर से फुटबॉल खेलने के लिए आ चुके हैं। अभी बच्चों की ट्रेनिंग चल रही है और 7 बजे से देन वी हैव अ स्लॉट फॉर 7 to 8, तो उससे पहले बच्चों की ट्रेनिंग वगैरह ख़त्म हो जाएगी and then some of the players are going to join us a little bit later. They're playing 8 aside और ये पूरा ground it's booked for us for 1 hour. What is that? Odomos. Odomos. हाँ, it's मेरे को भी देना. Okay. Racism. Manvendra Pratap Singh. वो दम है भाई, नाम में दम. Middle name ही भी है भाई का. Usually लोगों का middle name होता ही नहीं है इंडिया में, है ना? नहीं करते। नहीं। मेरा तो है ही नहीं, मेरी फैमिली में किसी का नहीं है मिडिल नेम। चेक करना होगा यार। नहीं है सच में नहीं है। बता दो फिर। चल रहा है अभी तो, अभी जो ट्रेंड है कि बच्चे मिडिल नेम में मम्मी का नाम डाल देता है। अभी डाल दीजिए, अभी अभी नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ, मम्मी का नाम डाल देते हैं मिडिल नेम में, मम्मी का नाम डालते हैं और फादर का नाम लास्ट नेम डाल देता है, सेकेंड लास्ट नेम में। वी आर जस्ट वेटिंग, गेटिंग रेडी। अभी अपने 2-3 प्लेयर और आने बाकी हैं। ब्रेक्सिट चाइल्ड अबडक्शन अबडक्शन का पता नहीं, यहाँ पे अबडक्शन इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट। नॉट दैट आई नो अबाउट अबडक्शंस बट you can now you know कि Kinshuk is an Interpol wanted agent. कौन सा एजेंट नहीं, फ्यूजिटिव। दैट्स व्हाई आई रिमूव्ड माय मिडिल नेम सो दैट पीपल कांट कैच मी। माय मिडिल नेम इज इथन, एज इन इथन हंट। हर हंट इज द लिविंग मैनिफेस्टेशन ऑफ डेस्टिनी। इसने टुड्डा मारा है। क्या जज कर रहा था? एक जमाने में हम भी मारा करते थे टुड्डा। खुदा मार रहे बच्चे हैं दोस्तों। कोच को अभिषेक कोच इज लाइक इट्स ओके। प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम, उसकी उसका ग्रोथ हार्मोन ये। हाँ वो तो फिर बार्सिलोना ने वो उसी के बेसिस पे जा रहे बार्सिलोना कॉन्ट्रैक्ट में। हाँ तो उन्होंने फिर उसको दिए थे स्टेरॉइड्स या फिर जैसे हार्मोन एक्सटर्नल। नहीं दे तो क्या होता है एक्चुअली उसकी हाई उसका हाइट में दिक्कत आई थी। अरे गुड बाय आए, गुड बाय आए, कोई तो गुड बाय आए। गुड बाय चेक करके हु इज दैट गुड बाय। हाँ क्या हो गया था? अंदर नहीं अलाउड आपको ना, अंदर अलाउड नहीं ना। ला रहा है लेके आ रहा है वो देखो ठीक है। जाओ बोले। खाओ इसको, खा रहा। ओए इसको तो शायद चोट भी लगी। टाइम हो गया, इट्स 6:40, 20 मिनट रह गए। 7 बजे से स्टार्ट करेंगे। खाली तो हो ही गया ग्राउंड, वी कैन स्टार्ट वार्मिंग अप। दोस्तों बस अभी शुरू करते हैं थोड़ी देर में गेम। और भाई कैसा है? ये सब तो खेले ही नहीं यार कभी। खेले थे बीच में? नहीं यार मेरे को खेला ही नहीं। अच्छा 2 हफ्ते हो गए खेले हुए। तो कल टूर्नामेंट कैसे खेल लेगा किशोर? लेट्स स्टार्ट वार्मिंग अप। जूते पहन ले वार्म अप करते हैं साथ में। धीरे भाग भाई, धीरे भाग। पूरी फील करते करते यहीं खत्म हो जाएगी एनर्जी। दोस्तों वार्म अप स्टार्ट कर दिया। अब मैं कैमरा रख दूंगा ताकि वार्म अप अच्छे से कर लूँ। जब तक हमारा 7 बजे तब तक अंधेरा हो गया, तो द लाइट्स आर ऑन नाउ। लुक एट इट, दिस इज हाउ इट लुक्स। व्हाट्स दैट स्काई लाइन, व्हाट इज दैट स्काई लाइन। ठीक है, अभी दूसरी टीम आई नहीं है। दूसरी टीम का एक ही बंदा आया। हमारी टीम के सारे बंदे ये रहे, ये सारे बंदे हमारी टीम के, ये सब अपने बंदे हैं। और गेम अभी स्टार्ट तब तक नहीं हो सकते जब तक बाकी बंदे नहीं आएंगे। तो वी आर जस्ट वेटिंग। 5-10 मिनट ऊपर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा देर जाएगा तो फिर वी विल बी लूजिंग दैट टाइम, क्योंकि स्लॉट्स बुक रहते हैं और हमें एकदम 8 बजे खाली करना पड़ेगा। तो हमारा 5-10-15 मिनट का जितना भी जो मैच है वो कम हो जाएगा अपना टाइमिंग में, पैसे उतने ही लगेंगे। तो वी आर ट्राइंग। ठीक है, लगता है 2 बंदे आ गए, वो गेट की तरफ से आ रहे हैं। 3-4 बंदे आ गए, तो बस अब हम शुरू करते हैं। रेगुलर करना पड़ेगा भाई। हाँ, रेगुलर से होता भाई, ऐसे नहीं होता। नीतीश मायूस हो चुका है दोस्तों। और इट्स ओके नीतीश, गेम तो है, क्या हो गया। चलो दोस्तों, मैच वैच तो हार गए, कोई दिक्कत नहीं। इट्स अबाउट इंजॉइंग, तो मज़े तो आए। अब हम लोग सारे बैठ गए, कपड़े वपड़े पहन के जाएंगे। भाई आप गुड गेम भाई। दोस्तों तो ये था मेरा फुटबॉल का मैच। घर पहुंच गया हूँ, DSLR पे स्विच कर लिया है। और आई वांट टू शेयर समथिंग विद यू कि इस वीकेंड का प्लान ऑलरेडी फिक्स है। मेरी मम्मी शी मेक्स आर्ट, या शी जस्ट आर्टिस्ट, तो शी मेक्स आर्ट पीसेस। मेरी मम्मी आर्टिस्ट है और वो पेंटिंग करती है, आर्ट पीसेस बनाती है। वो बॉटल्स, कप्स, मग्स, बॉक्सेस, इन सब को पेंट करके शी मेक्स आर्ट पीसेस। मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा था मम्मी को, मम्मी आपके लिए आर्ट गैलरी बना देता हूँ, आप अच्छी आर्ट बनाते हो। तो तब मम्मी मना कर रही थी, पर कुछ दिन पहले मम्मी ने बोला कि मेरे लिए आर्ट गैलरी तैयार कर दो। तो दोस्तों इस हफ्ते का, इस वीकेंड का तो यही प्लान है। मम्मी की आर्ट गैलरी तैयार करनी है। ऑलरेडी कुछ तैयार करके रखी है, बट मैंने लाइटिंग वगैरह अच्छे से मंगवा लिया और भी मंगवाने वाला हूँ, LED स्ट्रिप्स वगैरह। तो इस वीकेंड का यही प्लान है। इट विल बी फन, और जब बन जाएगा तो इट विल बी मोर फन टू सी हर रिएक्शन। जरा मार्केट जा रहा हूँ, देखता हूँ वहाँ पे लाइटिंग वगैरह कुछ लाइटिंग मंगाई जो आ जाएगी, डिलीवर हो जाएगी। लेकिन कुछ लाइटिंग में वैसे देख के आ रहा हूँ मार्केट से, मार्केट में कुछ मिलता है तो। आपकी मेरे पीछे आगे, मेरे पीछे थोड़ा बड़ा। चलो भाई, तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। whoever is watching, thank you very much for watching. YouTube is giving me 10 to 12,000 of impressions organically. I'm not paying for it. I only get 30-40 views. इतने सारे इम्प्रेशन पर 30-40 व्यूज आते हैं, तो इसका मतलब मेरा कन्वर्जन रेट अच्छा नहीं है। लोगों के सामने मेरी कंटेंट आती है, उसका थंबनेल वो देखते हैं और क्लिक नहीं करते। इसका मतलब I need to make it more attractive, और थोड़ा सा क्लिक बेट करना पड़ेगा मेरे को। चलो अभी तो इसलिए आए हैं यहाँ पे लाइट्स ढूंढने के लिए, आर्ट गैलरी को लाइट अप करने के लिए लाइट्स ढूंढने के लिए आए हैं। तो भाई देखता हूँ यहीं पर लाइट्स की दुकान होगी ना, वहाँ जाऊँगा। ये तो घड़ी की दुकान है, घड़ी की दुकान है। यहाँ पे देखते हैं चलो दोस्तों ले लिया, दो वॉल लाइट मिली है और 10 मीटर की तार ले लिया एक्सटेंशन करने के लिए। इसके बाद में एक्सटेंशन बोर्ड ले लिया, मल्टीप्लग पिन ले लिया और देखते हैं आगे। अब तो घर ही चलते हैं, बाकी अमेज़ॉन पे देखता हूँ। उनके पास ये ज़्यादा फैंसी लाइट्स नहीं है, फैंसी लाइट्स के लिए अगर मुझे खन्ना मार्केट खान मार्केट जाना पड़ेगा, खान मार्केट से लाऊंगा। एक तो अमेज़ॉन पे देखता हूँ आज, अमेज़ॉन पे बढ़िया कोई और अच्छी मिलती है तो वो लेता हूँ। एक्चुअली प्राइस का चक्कर है बस। अमेज़ॉन पे भी मैं देख रहा हूँ बहुत बढ़िया बढ़िया लाइट्स हैं, लेकिन वो थोड़ा सा प्राइसी है और मैं चाहता हूँ कि पहले चेक कर लूँ यहाँ मार्केट में जाके, सामने से चेक कर लूँ। रखता हूँ इसको, चलो भाई इसको रख देता हूँ। 360 से स्विच करते हैं, इस पे स्विच करते हैं। चलो 360 का चार्ज भी करना है, पहले प्लान करूँगा कहाँ पे ड्रिल करना है, कहाँ पे लाइटिंग करनी है, उस हिसाब से सही जगह पे डिज़ाइन के हिसाब से आई विल स्टार्ट ड्रिलिंग। तो यहाँ पे इस पूरे एरिया में अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो जैसे ये ऑलरेडी कुछ पोर्शन ये बना हुआ है आपका आर्ट गैलरी का, इसमें जैसे मैं अगर लाइट जला के दिखाऊँ, ये देखो आप, ये करंटली जो लाइटिंग है वो उस हिसाब से बता रहा हूँ। इस हिसाब की लाइटिंग अभी करी हुई है, जस्ट ऐसे ही थोड़ी सी अनप्रोफेशनल टाइप की, तो ऐसे दिखने वाली है। और दूसरी लाइटिंग ये भी है, LED स्ट्रिप भी है यहाँ पर, ये पूरी जलती है तो एकदम वाइट हो जाता है। मैं दिखाता हूँ, देखो देखो ये LED लाइटिंग है, ये एक फ्रेम है, इसके अंदर में अपने ये सब रहेंगे। थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े लगे हुए हैं, इनको भी ठीक करना है अभी, वो हम कर देंगे। ठीक है, ये LED यहाँ तक आती है, पूरा ऊपर से देखे ऐसे स्क्वायर करके और फिर यहाँ पे आती है। दूसरा क्या है कि यहाँ पे मेरे को अब लाइटिंग थोड़ी चेंज करनी है, तो उसके लिए मैं और नई चीज़ें लेके आ गया हूँ। इस तरीके की लाइट्स लेके आ गया हूँ जो वॉल पे लगेगी, डायरेक्ट वॉल पे लगेगी इस तरीके से, या फिर इस तरीके से, किसी तरीके से ऐसे लगेगी। तो उसके लिए मेरे को ड्रिल करना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि जब लाइट्स इतनी सारी लगानी पड़ेगी तो उसको पावर सोर्स भी चाहिए, तो मैं पावर सोर्स के लिए ये एक्सटेंशन बोर्ड लेके आया हूँ। इसको यहाँ टांग दूँगा, यहाँ पे एक ड्रिल करूँगा, यहाँ टांग दूँगा इसको, या फिर थोड़ा नीचे टांग दो, ये सोच रहा हूँ। चलो भाई आपका एक्सपीरियंस अपग्रेड कर देते हैं, DSLR पे चले जाते हैं। चीज़ कर ये है, 2 वॉल एम्बेडेड लाइट है, इसको मार्क करता हूँ वहाँ पे और फिर लगाता हूँ। भाई से पूछता हूँ कि कहाँ पे लगाना ठीक रहेगा। वाह, अब इसको वहाँ लगा के देखते हैं दोस्तों। ऐसे भी रख रहे हैं तो इसमें अच्छा दिख रहा है। अगर मैं इसको यहाँ ऊपर ले जाऊँ, दोस्तों ये देखो, ये मैंने यहाँ लगा दिया, ये लगा दिया। ये यहाँ से यहाँ पे एक्सटेंशन बोर्ड लटकता है, यहाँ पे एक्सटेंशन बोर्ड से लगाऊंगा। अभी एक्सटेंशन बोर्ड जरा इधर लेके गया हूँ, ये एक्सटेंशन बोर्ड इसलिए लेके कि ये वॉल मैंने खाली कर दी है, इसको अच्छे से बनाऊंगा। अब सही जगह पे छेद करूँगा ताकि देखने में अच्छा लगे। ठीक है दोस्तों, अब यही करता हूँ, ये करके दिखाता हूँ। एक छेद यहाँ भी कर दिया है, यहाँ नीचे भी कर दिया है, ये पूरी वॉल कवर करेंगे। एक यहाँ पे है, एक वो रहा नीचे, एक यहाँ नीचे की है। इस तरीके से मैं छेद कर रहा हूँ, बहुत जगह छेद कर रहा हूँ। यहाँ पे यहाँ पर भी करूँगा नीचे। ठीक है, मिलते हैं। दोस्तों देखो आर्ट वर्क तैयार हो रहा है। ऐसे यहाँ पे कितने सारे आर्ट वर्क्स तैयार होके ऑलरेडी रेडी हैं और हमारी आर्ट गैलरी भी ऑलमोस्ट तैयार है। तो ये सारे आर्ट गैलरी में ही जाएंगे, सारे आर्ट वर्क जो यहाँ दिख रहे हैं आपको टेबल पे, इसी के लिए आर्ट गैलरी को तैयार किया है। अब आपको आर्ट गैलरी दिखाता हूँ जो हमने अभी तैयार कर ली है। अभी देखो करंट सिचुएशन देखो, विदाउट लाइट एक बार बंद करो, विदाउट लाइट दिखाऊंगा पहले। विदाउट लाइट देखो यहाँ पे, ठीक है, एक ये वॉल है, एक ये वॉल है, एक ये वॉल है, एक वॉल ये भी है, इसमें से कुछ हटा रखी है अभी और नीचे को शार्ट। अब जलाओ मम्मी लाइट। अब ये लाइट के साथ में आप देखो इस वॉल पे सारी पर्सनल फ़ोटोज़, फैमिली फ़ोटोज़, सारी फ़ोटोज़ आएंगी इसके ऊपर। और ये नीचे का जो खाली एरिया है यहाँ पे भी कीलें हैं बहुत सारी, जहाँ पे हम और भी फ़ोटोज़ टांगेंगे और फ्रेम्स टांगेंगे। बाकी ये 3 फ्रेम टंगे हुए हैं, इसके नीचे एक और टंगेगा, यहाँ पे जगह है। इस साइड भी 3 फ्रेम्स हैं, इसके नीचे एक और आएगा। बाकी अब इस साइड देखो आप, इस साइड यहाँ पर पूरा भरा हुआ रहता था, अभी के लिए हटाया है, कुछ फ्रेम बनने के लिए गए कुछ करके। और बाकी नीचे ये आर्ट वर्क के पीसेस पड़े हैं इधर इस एरिया में। अब मैं यहाँ पे लाइट जलाता हूँ, देखो देखना अभी ये देखो, ये दोनों ऊपर लगा दिए। और मम्मी एक बार के लिए राइट वाली लाइट बंद करना, इस साइड की आर्ट दिखानी है। हाँ, तो ये लाइट्स ऊपर लगा दी है, इनको इल्यूमिनेट करने के लिए, ये आर्ट पीसेस को इल्यूमिनेट करने के लिए वो वाली ऊपर की लाइट्स लगाई हैं। और इसकी लाइट एक्चुअली वो दोनों के लिए हो जाएगी, इसके लिए भी और यहाँ जो पेंटिंग्स और आर्ट वर्क रहेगा उसके लिए भी। प्लस यहाँ पे एक छोटा बल्ब, छोटा लाइट, वाइट लाइट यहाँ पे एक लगाई है दीवार पे, वो इस साइड के लिए। जैसे इस साइड अगर मैंने कुछ आर्ट लगाई यहाँ पे और यहाँ पे बीच में तो शीशा है, नीचे कुछ लगाऊंगा तो उसको लाइट इल्यूमिनेट करने के लिए काम आएगी। देखो बैकग्राउंड में कितनी अच्छी लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है बैकग्राउंड में। यहाँ पे देखो ये बैकग्राउंड पे कितना अच्छा लग रहा है कि नहीं। ये दोस्तों फाइनली कितना अच्छा लगने लगा ये, पूरा एक दिन लगा इसको बनाने में। ये वीकेंड काफ़ी सक्सेसफुल रहा, अपना टास्क पूरा हो गया एक तरीके से, ऑलमोस्ट पूरा हो गया, क्योंकि अब तो छोटी छोटी एनहांसमेंट्स तो होती रहेंगी इसमें भी, बट बेसिक काम पूरा हो गया है। ये आर्ट गैलरी ऑलमोस्ट तैयार है, एक बार ये तैयार हो जाएगी तो आई विल होस्ट ए आर्ट गैलरी। एक इवेंट रखूँगा जिसमें मम्मी के सारे फ्रेंड्स और नेबर्स को बुलाऊँगा, जिसमें आर्ट डिस्प्ले पे रखेंगे। ठीक है दोस्तों, सबको इनवाइट करेंगे। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो, और कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट कर देना, शेयर कर देना वीडियो को अगर अच्छी लगी है तो। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।